हेलो फ्रेंड्स, मेहरा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मेरे भाई मोटरसाइकिल चलाना भी नई नई सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, उनके लिए आज ये वीडियो बड़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी जैसे मोटरसाइकिल्स होती है ना, उनमें गियर पैर से डलते हैं और गियर का जो पैटर्न होता है ना कि कैसे डलेंगे, जैसे सारे गियर आगे या सारे पीछे या एक आगे बाकी पीछे, वो मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ। और जो आज हम मोटरसाइकिल यूज़ करने वाले हैं, ये है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350। इसके मैं आपको बताऊंगा कि गियर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी डिटेल लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये हमारा है यहाँ पर गियर पैडल। तो इसका ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे होता है, फाइव गियर ट्रांसमिशन है इसका। तो इसमें गियर का पैटर्न ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारा डलेगा फर्स्ट गियर, और सेकंड गियर डालने के लिए हमें इसमें एडी दबानी पड़ेगी। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इसमें फिफ्थ गियर डल गए हैं। अब गियर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पंजे से दबाएंगे, जैसे फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड न्यूट्रल। यहाँ पर जो हमारी बाइक है न्यूट्रल हो चुकी है, और हमें अगर मान लीजिए हमें फर्स्ट डालना है तो हम वापस से आगे दबाएंगे तो फर्स्ट गियर इसमें डल जाएगा, और फर्स्ट से न्यूट्रल करना है तो हम इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे तो हमारी जो बाइक है न्यूट्रल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके जो रॉयल इनफील्ड का जो गियर पैटर्न है वो कैसा रहता है। आप मेरे किसी और बाइक पे भी अगर चाहते हैं कि उसका गियर पैटर्न में डालूं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप कोई बात नहीं, आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।